नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 35,99,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 11,68,000 लोग रिकवर होकर घर भी पहुंचे हैं। हालांकि 2,49,000 लोगों की अब तक मौत हो गई है। बात करें देश की, तो देश में अब तक 42,836 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 11,761 लोग रिकवर होकर घर पहुंचे हैं। हालांकि 1,389 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अब तक 2,942 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 165 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में देखें तो निमाड़ में अब तक 170 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 78 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। 15 लोगों की अब तक मौत हुई है। संभाग आयुक्त ने दिया आदेश, खंडवा के मेडिकल कॉलेज में लैब दिन रात काम कर जल्दी से तैयार की जाए। सोमवार को प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा संजय शुक्ला और इंदौर संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने खंडवा का दौरा किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद अफसरों को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव शुक्ला ने निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में यदि स्टाफ की कमी है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गाइडलाइन के अनुसार रिक्त पदों की भर्ती की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सामग्री क्रय की जाना है उसका ऑर्डर करने के बाद फॉलोअप भी नियमित रूप से करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज की लेबोरेटरी का शेष कार्य दिन रात काम कर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग जैसी अन्य बीमारियों के उपचार की व्यवस्था भी जिला अस्पताल में की जाना चाहिए। सामान्य लोगों के उपचार के लिए निजी क्लिनिक व नर्सिंग होम में उपचार की व्यवस्था की जाए। कलेक्टर तनवीर सुंदरियाल ने उन्हें जिले में कोरोना की स्थिति से अवगत कराया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से खंडवा में वसूले 3,00,000 रुपए। एसपी डॉक्टर शिवदाल सिंह ने बताया कि अब तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 1,013 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कुल 81 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। वाहन चालानी कार्रवाई में अब तक 3,01,500 रुपये चालकों से वसूल भी किए गए हैं। लॉकडाउन के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत 176 लोगों के विरुद्ध कुल 109 आपराधिक प्रकरण बनाए जा चुके हैं। जिले में धारा 151 के तहत 60 लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई भी की गई है। बुरहानपुर में 16 नए मामले सामने आने के बाद एक दिन के लिए फिर बढ़ाया कर्फ्यू। बुरहानपुर में सोमवार को 16 पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासनिक अमला सख्ते में है। इन रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने कर्फ्यू की अवधि एक दिन के लिए और बढ़ा दी है। अब कर्फ्यू 5 मई की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी मेडिकल स्टोर किसी मरीज को सर्दी खांसी की दवाई उसी स्थिति में देगा जब मरीज के पास सरकारी अस्पताल की चिट्ठी होगी। मरीज बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रीनिंग की गति में भी तेजी ला दी है। लालबाग व इंदिरा कॉलोनी के संक्रमित क्षेत्रों में कोरोना टीम द्वारा स्क्रीनिंग एवं सर्वे किया जा रहा है। प्रशासन ने राधा कृष्ण होटल शिकारपुरा को आइसोलेशन के लिए अधिग्रहित कर लिया है। सोमवार को इंदौर संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी बुरहानपुर पहुंचे और अफसरों के साथ बैठक में कोरोना की रोकथाम की योजना पर चर्चा की। सोमवार को आए 16 पॉजिटिव मामलों में 7 लोग मोमिनपुरा इलाके के हैं। यहां एक ही बिल्डिंग में काफी सारे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। खरगोन में फिर 2 नए पॉजिटिव मामले, 15 की नेगेटिव आई रिपोर्ट। खरगोन में पिछले 24 घंटों में फिर 2 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस तरह अब संक्रमितों की संख्या 79 हो गई है। डॉक्टर सुनील वर्मा ने बताया, सहकार नगर के 34 वर्षीय पुरुष की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके अलावा संजय नगर के कोरोना के संक्रमण से स्वस्थ हुए व्यक्ति की पत्नी की पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई है। इस परिवार से कुल 7 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 6 की रिपोर्ट निगेटिव है व 1 पॉजिटिव आई है। जिले में अब भी 36 मरीज स्थिर हैं, 36 स्वस्थ हो चुके हैं व 7 की मौत हुई है। अब तक कुल 53 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। 24 घंटे में 15 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में अब 668 नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 395 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया। इस तरह अब तक 20,302 व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है। वहीं आइसोलेशन में 89 मरीज भर्ती हैं।
बड़वानी में सुधरने लगे हैं हालात, जल्द खुलेंगे दफ्तर। बड़वानी में स्थिति अब भी स्थिर है। स्थिति पर नियंत्रण को देखते हुए धीरे धीरे सरकारी कार्यालयों में काम शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के तहत सरकारी कार्यालयों के संसाधनों की रिपेयरिंग करवाई जा रही है ताकि काम शुरू करने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। SDM, CMHO तथा सिविल सर्जन ने सोमवार को बड़वानी में संचालित प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्हें COVID-19 के संदिग्ध मरीजों के प्रबंधन के विषय में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं कंटेनमेंट क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के अमले ने दूसरे चरण में घर घर जाकर सर्वे किया एवं इस दौरान रैंडम आधार पर कुछ लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। कलेक्टर अमित तोमर ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में अधिकारियों को लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताते चलें, बड़वानी जिले में अब तक कुल 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें से 20 लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं तथा शेष 6 लोगों का उपचार अभी चल रहा है। अनाज के लिए गरीबों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। राशन द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन 3 दिन से लोग इसके लिए परेशान हो रहे हैं। कहीं सर्वर काम नहीं कर रहा है तो कहीं पर अनाज नहीं पहुंच रहा है। शिवाजी चौक स्थित राशन दुकान से लोग कई बार बिना अनाज के वापस लौटे हैं। यहाँ गरीबों को अनाज तो नहीं मिला, उल्टा पुलिस के डंडे और अपशब्द सुनने को मिले। एक और प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि कंटेनमेंट एरिया के लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जाए, लेकिन इसके विपरीत लोग बचते बचाते दुकानों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है। सामान्य इलाकों में भी राशन के लिए लोगों की लंबी कतार लग रही है। घंटों तपती धूप में तपने के बाद भी उन्हें अंतिम जवाब यही मिलता है कि कल आना। शिवसेना के जिला अध्यक्ष गणेश भावसार ने उपभोक्ताओं के लिए छाया की व्यवस्था करने के आदेश देने की मांग की है। भीषण गर्मी में पेयजल से त्रस्त लोगों ने किया थाने का घेराव। लॉकडाउन की बंदिश है, उस पर भीषण गर्मी में कृत्रिम जल संकट झेल रहे कुंडावत के ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। 2 दिन से पानी को लेकर ग्रामीण बड़ा आंदोलन कर रहे थे। गांव के दलित समाज के लोगों ने रविवार रात छेगांव मकन थाने का घेराव भी किया। ये लोग सरपंच पति आशाराम पटेल एवं ग्राम पंचायत सचिव मनोहर सतवा के खिलाफ कार्रवाई पर अड़ गए। ग्रामीणों ने बताया, 4 माह से ट्यूबवेल की मोटर खराब है। कई बार ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच से शिकायत करने के बाद भी समस्या हल नहीं हुई। सरपंच के पति द्वारा दलित समाज के लोगों के विरुद्ध अपशब्द का उपयोग किया जाता है। सरपंच पति आशाराम पटेल का कहना है कि मेरे खिलाफ पुरानी रंजिश निकाली जा रही है, पानी की समस्या नहीं है, मोटर भी चालू कर दी गई है। मामला बढ़ने के बाद जनपद CO ने तत्काल मोटर पंप डाले जाने के निर्देश दिए। बोले हम नहीं पानी देंगे, मतलब दूसरी समाज हो ना तो उसका पुंडी एक हो जाते हैं और ये हरिजन एक हो जाते हैं, तो क्या समाज में कोई भेदभाव करता है? ये लोग ये गांव से भेदभाव करते हैं। मैं वहाँ पर बैठा था, होटल के ऊपर बैठा था, इन लोगों गाली गुप्ता कर रहे थे, तो वैसे ही मेरे घर के महिला सरपंच है, उनको जैसे पता लगा कि वो वहाँ पर आई स्पॉट पे, तो उन लोगों को भी ऐसा उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया गया और बोले कि हमारे अगर आए ऐसा होता हम तुमको जान से मार देंगे, और नंगी नंगी गालियों का प्रयोग किया गया महिला सरपंच के साथ में भी, मेरी पत्नी के साथ में भी। जावर में मजदूरों को फिर उपलब्ध कराया समाज सेवियों ने अनाज। जावर के सैलानी में फंसे 400 लोगों को प्रशासन की मदद से उनके घर तक पहुंचाया गया, लेकिन महाराष्ट्र के लोग अब भी यहीं फंसे हुए हैं। पिछले 1.5 माह से कभी स्थानीय लोग तो कभी प्रशासन की मदद से इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। रविवार को औरंगाबाद जिले के गंगापुर तहसील के गांव पखोरा से खिलौने बेचने आने वाले करीब 30 से 35 मजदूर परिवारों को 1 महीने बाद पुनः जावर के समाज सेवियों ने करीब 1 सप्ताह का राशन उपलब्ध कराया है। जनपद पंचायत कार्यपालन अधिकारी महेंद्र सिंह घनघोरिया ने कहा कि 2 दिन बाद इन्हें भी भेजने की व्यवस्था कर दी जाएगी। समाज सेवी अमित मालवीय, अश्विन सांवले, अनवर मंसूरी, सचिन केतवास, आनंदम सहयोगी, नारायण फरकले सहित अन्य ग्रामीणों ने इनकी मदद की। वायरल वीडियो में देखिए इस मासूम की अपनी माँ से बातचीत। नहीं जाएगा वो, अरे जब गर्मी आएगी जब चला जाएगा। कौन बोल रहा? देखो गर्मी का कोरोना वायरस को पसंद है? नहीं पसंद। तो ये तो बोलू कि जब कोरोना वायरस के जब गर्मी आएगी जब कोरोना वायरस चला जाएगा ना? नहीं जाएगा वो।
अभी पता पूरे आधे देश में फैल गया हो कोरोना वायरस? दो आधे देश में तीन बार बार हैंड वॉश किया कर अपने इतना में कोरोना वायरस को करना पसंद है नहीं तो फिर ये ना बोल रही हूँ जब गर्मी आएगी जब कोरोना वायरस चला जाएगा पता नहीं मुझको तो पता बता दो जी अगर नहीं करो तो हम सब मर जाएंगे तू क्यों रो रही है अभी तो ठीक है ना अगर आप मर गए तो हम बच्चों को क्या होगा कुछ नहीं होगा भगवान जी है अब तो तू बड़ी हो गई बाबू का ध्यान तो रख सकता है इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी नमस्कार